अल्ताफ के परिजनों से मिले आप नेता संजय सिंह। जनपद कासगंज की सदर कोतवाली बीते 4 दिन पूर्व पुलिस अभिरक्षा में युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। युवक की मौत के बाद से कोई न कोई विपक्ष पार्टी का डेलीगेशन अल्ताफ के परिजनों से मिलने आ रहा है। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ कासगंज पहुंचे और अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अल्ताफ के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मृतक अल्ताफ के परिजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 1 करोड़ रुपए और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग करती है, साथ ही अल्ताफ की मौत की CBI जांच की मांग करती है। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग करती है। कासगंज से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। कासगंज कोतवाली के हवालात में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, आप आज पहुंचे हैं तो क्या पीड़ित परिवार से बात हुई है? देखिए, अल्ताफ के पिता से बात हुई और उन्होंने जितनी भी जानकारी दी, ये सीधे सीधे हत्या का मामला है, थाने में पुलिस के द्वारा की गई हत्या का मामला है। इसमें CBI की जांच होनी चाहिए, जो परिवार की मांग है, और जो भी इसमें दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। जिस प्रकार से SP का बयान आया वो भी बहुत ही हास्यास्पद था, और कहीं ना कहीं अपराध को छुपाने की पुलिस अधीक्षक कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 2 फीट की टोटी में 5.5 फीट का नौजवान नाड़े के जैकेट के नाड़े से फंदा लगा के मर गया और फांसी लगा लिया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अपराध को, गुनाह को, पुलिस के इस कुकृत्य को छुपाने की कार्रवाई यहाँ के पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले में जब तक CBI की जांच नहीं होती तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा। इसमें परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस पूरी लड़ाई में आम आदमी पार्टी इनके परिवार के साथ है। ये भी जानकारी मिल रही है कि लड़के के ऊपर कोई FIR नहीं दर्ज थी, जो FIR दर्ज की गई वो उसकी हत्या के बाद पुलिस ने दर्ज किया है। तो ऐसे तमाम तथ्य हैं, ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये पुलिस कस्टडी में की गई हत्या है। उसी प्रकार जैसे मनीष गुप्ता को मार दिया गया, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को मार दिया गया, प्रभात मिश्रा को मार दिया गया, अरुण वाल्मीकि नाम के आगरा के एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया गया, ये इसी तरह से की गई एक हत्या है। सर, सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो यही हो रहा है। देखिए आप क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश हो रहा है।